नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा शत्रुहंता योग, यानी कि शत्रु पे विजय या अपने कॉम्पिटिटर पे विजय कैसे कहाँ, मतलब ये दिखाता है कि आप अपने शत्रु पे विजयी होगे कि नहीं होगे, इस चीज़ को ये दिखाता है चार्ट में। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है आज इसी पे मैं थोड़ा डिटेल में लेके जाऊंगा। वैसे तो काफ़ी लोगों को पता होगा कि शनि छठवे में हो या मंगल क्रूर ग्रह हो या राहु छठवे में हो या छठवे पे दृष्टि हो, तो लगभग ये शत्रु पे विजय का एक तरह से योग बनाता है। लेकिन आज मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें जो छुपी हुई हैं, जो उसको थोड़ा सा लॉजिकली समझने की जहाँ पे ज़रूरत है, आज मैं वहाँ पे रोशनी डालूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपने अगर मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पोस्ट मैं वहाँ पे डेली बेसिस पे लगभग शेयर करता हूँ, जो कि आपको अच्छे लगेंगे। फेसबुक पे भी आप विजिट कर सकते हो, चाहे इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आपकी प्रोफाइल आप विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ जो भी लाइफ से जुड़ी अदर टॉपिक्स हैं, लाइक चार्ट में वेल्थ को कैसे देखें, मैरिड लाइफ कैसे समझें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, फॉरेन सेटलमेंट, इन सब चीज़ों को कैसे देखें, मैरिज प्रिडिक्शन कैसे करें, पंच महापुरुष योग, विपरीत राजयोग, राहु कौन सा जेमस्टोन धारण करना, इन सारे विषयों से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पे इजिली मिल जाएंगे। एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब टॉपिक पे आता हूँ दोस्तों। बात हो रही है शत्रुहंता योग। शत्रु, यहाँ पे शत्रु शब्द जब आता है तो सबसे पहले शत्रु कौन से भाव से देखे जाते हैं, आ जाता है छठवा भाव। ऑब्वियसली शत्रु रोग, ऋण, लिटिगेशन, और जैसे मैंने कहा छठवां भाव विल पावर भी दर्शाता है, यानी कि लड़ने की क्षमता जो है, इच्छा शक्ति आपकी कितनी प्रबल है, वो भी छठवां भाव दर्शाता है। और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी कहूँगा मैं, सिक्स हाउस काफ़ी, अगर जिसका सिक्स हाउस बहुत स्ट्रांग हो, ऐसे पर्सन की इम्यूनिटी सिस्टम भी काफ़ी अच्छी होती बॉडी की। तो आज इसी पे मैं बात करूंगा कि ये योग एक्चुअली क्या, जैसा लोगों ने सोचा है क्या वैसे काम करता है। देखिए, कहा जाता है कि मान लीजिए छठवें भाव का स्वामी जो है वो 12वें में चला जाए, 8वें में चला जाए, तो शत्रुहंता ये भी बनाता है। या फिर शनि छठवें में हो, राहु छठवें में हो, या राहु या शनि की दृष्टि हो छठवें भाव पे, तो ये भी शत्रुहंता योग बनाता है। अब शत्रुहंता होता क्या? शत्रुहंता लोग हम डायरेक्टली समझते हैं कि दुश्मन पे हम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब एक चीज आपको बता दूं, शत्रुहंता योग जब भी आप देखते हो, मान लीजिए छठवे का स्वामी 12वें में गया, तो ये 6-12 का कनेक्शन बन गया। उस जब भी उस प्लैनेट की दशा या अंतर दशा चलेगी, याद रखिए वो टाइम आपके लिए टफ टाइम होगा। आपको मैक्सिमम सामना करना पड़ेगा डिजीज, लिटिगेशन, एनिमी, या फिर अननेसेसरी, मैं कहूँगा ना कि कहीं ना कहीं आपके जो मामा हैं, जो माता जी के भाई होते हैं बेसिकली, उनको उनके उनके ऊपर बैड इफेक्ट्स आएंगे। याद रखिए ये सारी चीजें दिखाता है, क्योंकि देखिए छठवे का स्वामी 12वें में जाए तो विपरीत राजयोग की कंडीशन भी बनती है, और वहां पे भी यही चीज होती है। विपरीत राजयोग में भी यही, जैसे मैंने समझाया है कि विपरीत यानी कि आप बुरी परिस्थितियों में पहले जाओगे, निकलोगे कि नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि आपका ट्रांजिट कितना अच्छा चल रहा है, आपकी दशा कितनी अच्छी चल रही है। किसी के कुंडली में ये योग है, इसका मतलब ये नहीं कि थ्रू आउट वो बंदा किसी से भी जाके बोलते ना शत्रुता मोल ले लेगा और हमेशा हावी रहेगा अपने दुश्मनों पे, ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। इवन मैं ये कहूंगा, सिक्स लॉर्ड अगर 12th में चला जाए और मंगल कमजोर हो, आपकी कुंडली का मंगल या शनि कमजोर हो, वो भी गलत अवस्था में हो, तो ऐसे आदमी को मैं कहूंगा शत्रुओं से बच के रहना चाहिए। ऐसे आदमी को शत्रु हानि पहुंचा सकते हैं। जब भी आपकी दशा अंतर दशा चल रही हो छठवें भाव की, और छठवें भाव का स्वामी 8वें या 12वें में हो, ऐसे कंडीशन में आपको शत्रुओं से बचना चाहिए। शत्रुओं से अपना काम आसानी से निकालने की को लॉजिकली यहाँ पे मरकुरी का यूज कीजिए, मैं कहूंगा बुध का यूज कीजिए, क्योंकि छठवा भाव काल पुरुष कुंडली में बुध का भी है, जो कि शत्रुओं को कैसे मात देनी है, देखो दो तरह से है, मंगल का भी है, राहु भी कारक माना जाता है, और बुध बुध वहां के काल पुरुष कुंडली के नैसर्गिक ग्रह माने जाते हैं लगभग। तो देखिए ये तीनों हैं, लेकिन इन ये तीनों आपको शत्रु से विजय दिला सकते हैं, राहु भी दिला सकता है, मंगल भी दिला सकता है, लेकिन आपकी कुंडली का कौन सा प्लैनेट प्रबल है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप वृष लग्न के हो, अगर आप एक्वेरियस लग्न के हो,
कैप्रिकॉर्न लग्न के हो, तुला लग्न के हो और आपका शनि प्रबल है सिर्फ, यहाँ पे मैं कोई योग नहीं लगा रहा हूँ, छठवां भाव कैसा भी हो, शनि मात्र आपका प्रबल हो, प्रबल यानी अच्छी स्थिति में हो, 8-12 में ना हो, ठीक है, अच्छे जगह पे ले जाओ, त्रिकोण में हो या 10वें भाव में या 11वें भाव में शनि बैठा हो खास करके, ऐसे इंसान को मैं कहूंगा, आपको अगर कोई शत्रु परेशान भी करे ना, आप खाली इतना करिए, शांत रहिए, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, पेशेंस दिखाइए, वो कुछ दिन के बाद खुद ही आपके पास आके माफी मांगेगा, सिर्फ शनि प्रबल होगा तो। जो आपसे शत्रुता करेगा उसको ही भुगतना पड़ेगा, सिर्फ शनि प्रबल रहने से ये हो जाता है। चार्ट में आपके, फिर से बोल रहा हूँ, शनि प्रबल हो, और खास करके इन लग्नों की जिसके मैं बात कर रहा हूँ, कुंभ लग्न, मकर लग्न, तुला लग्न, वृष लग्न वालों के लिए खास करके, अगर शनि अच्छे भाव में बैठा है, पीड़ित नहीं है, डिग्री वाइज ठीक है, प्लेसमेंट 10, 11, 9 ऐसे जगह पे है, तो मैं कहूंगा आप शत्रु पे हमेशा हावी रहोगे, आपको कुछ करना नहीं, बस थोड़ा सा सब्र रखना है, ऑटोमेटिक कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी कि वही बंदा आपके सामने एक दिन आके घुटने पे, बोलते हैं ना, घुटने टेक के बात करेगा, ये चीज याद रखिए। लेकिन यहाँ पे आप जैसे इम्पेशेंस होते हो ना, यानी कि आप एक्शन लेने की कोशिश करते हो ना, तो आप कभी कभी इसका भुगतान करना पड़ेगा, तो याद रखिए, शनि प्रबल होगा अगर आपके चार्ट में इन सब लग्नों में, तो बाय डिफॉल्ट आपके शत्रु आपके सामने झुक जाएंगे। बाकी शनि छठवें भाव में है, यस, ये शत्रुहंता योग बनाता है, लेकिन अगर शनि बुरे भाव के स्वामी हैं आपके कुंडली में, मान लीजिए 8वें या 12वें के स्वामी हैं, तो ये दिखाता है कि शत्रुओं से आपकी हानि हो सकती है, आपको अननेसेसरी शत्रुता नहीं करनी चाहिए, आपको अननेसेसरी लिटिगेशन या कोर्ट कचहरी के मामलों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर लंबा खिंचेगा, किसी से दुश्मनी होगी तो लंबी चलेगी, बोलते ना कि ये एक एक दुश्मनी होती है, पिताजी फॉलो करते हैं फिर बेटा फॉलो करता है, एक केस, एक कोर्ट केस होता है प्रॉपर्टी या किसी चीज़ के लिए, तो पहले पहले बाप लड़ता है फिर बेटा भी लड़ता है, कई जनरेशन निकल जाती है, तो ऐसे लोगों से मैं कहूंगा जिनका जिनके कुंडली में शनि बुरे घरों का स्वामी है, बुरा घर यानी बुरा घर कोई नहीं होता, लेकिन जो त्रिक स्थान है 6, 8, 12 ये दिखाता है, अगर उसके स्वामी है शनि और छठवें भाव में बैठे हैं, तो शत्रुता नहीं लेनी चाहिए, वो जीतोगे नहीं जीतोगे वो अलग बात है, लेकिन ये लंबा खींचेगा, शनि है आसानी से नहीं छोड़ेंगे, इसी तरह से राहु अगर है तो अननेसेसरी शत्रु बनेंगे, अनवांटेड शत्रु बनेंगे, और आपका शत्रु जो होगा आपसे नीच जाति का हो सकता है, आपका शत्रु बोलते ना कि बोलते ना आपकी सोच से परे हो सकता है, यानी कि जो आप उसकी लिमिटेशन सोच रहे होगे, जो उसकी हद आप सोच रहे होगे, वो इतना पावरफुल होगा या इतना ही कर सकता है, इस हद तक ता जा सकता है, राहु छठवें भाव में अगर है तो आपका दुश्मन आप सोच नहीं सकते उस हद तक जा सकता है, ऐसी ताकत रखता है अगर आपके कुंडली में राहु छठे भाव में, तो आपको अपने दुश्मन को जज नहीं करना चाहिए, आप ये याद रखिए कि आपका जो दुश्मन है ना, आपको बोलते ना कि सीक्रेट तरीके से भी हानि पहुंचा सकता है, जो कि आपको समझ भी नहीं आई ये क्यों हुआ कैसे हुआ, इस तरह से भी हानि पहुंचा सकता है। शत्रुहंता योग ये किस कब बनाता है, ये आप कुंडली की पूरी प्रोसीजर देखिए, अगर आपके कुंडली में 6 का 6वें भाव का संबंध 11वें या 10वें से बनता है, तब ये परफेक्टली काम करेगा, अगर एक चार्ट को देखिए थ्रू आउट कि उसमें स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है क्या 6, 10 या 6, 11 की, अगर 6, 10, 6, 11 की अच्छी कॉम्बिनेशन है और मैलिफिक प्लैनेट के द्वारा बनी हुई है, मंगल राहु या शनि के द्वारा बनी हुई है, ऐसे इंसान के शत्रु पे विजय पाने के चांसेस हमेशा 100% होते हैं। और एक चीज़ और, ऐसे लोगों के शत्रु राहु है तो 100% उसके दुश्मन होंगे भी, शनि है तो उसके दुश्मन भी ज़्यादा होंगे, लिटिगेशन इन सब चीज़ों में ज़्यादा होगा वो, इस तरह से समझिए, शत्रुहंता योग ऐसा नहीं है कि छठवें में शनि बैठा है तो आप किसी से भी दुश्मनी लोगे तो आप ही जीतोगे, ये बहुत ही गलत प्रिडिक्शन है, गलत है, इस चीज़ को मैं आपको क्लियरली सामने से मना कर रहा हूँ। शत्रुहंता योग जब भी छठवें भाव का संबंध 12वें या 8वें से बनेगा, तो शत्रु से आपको सावधान रहना चाहिए, रोग से सावधान रहना चाहिए, कर्ज लेने से बचना चाहिए, याद रखिए कर्ज तो ले लोगे, जैसे कि छठवें का स्वामी 12वें में गया है तो कर्ज के वजह से नुकसान होगा, शत्रु के वजह से नुकसान होगा, बीमारियों में पैसे जाएंगे, बीमारियों में अननेसेसरी आप परेशान होगे। 8वें में अगर जाता है छठवें का स्वामी, तो ऐसे रोग होने की संभावना होती है जो थ्रू आउट द लाइफ चलती हैं, क्रॉनिक डिजीज के भी इश्यूज होते हैं, 6 का संबंध 8वें से बन जाए, इसी तरह ऐसा शत्रु आपका छुपे हुए शत्रु, ऐसे शत्रु हो सकते हैं जो आपको बड़े लेवल पे आघात करे और आपके लाइफ में कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, ऐसा भी होता है अगर 6-8 का कॉम्बिनेशन है आपके कुंडली में,
यानी छठवें का स्वामी आठवें में गया है, तो डिजीज की और डेप्स, यानी कि अगर आप पैसे डेप्स लेते हो, कर्ज लेते हो, तो कर्ज लेके बोलते कोई बिजनेस करते हो, कहीं पे आप लगाते हो, तो पैसा डूब जाने का खतरा होता है यहाँ पे, तो ऐसा भी होता है। आप कुंडली के कॉम्बिनेशन देखिए, सिर्फ शनि की दृष्टि या शनि की प्लेसमेंट से ऐसा नहीं होता है कि आप शत्रु पे विजय पाओगे। 6 10 11, 6 10 11, 6 10 या 6 11 का कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में अच्छा है तो आप शत्रुओं पे विजय पाओगे। लेकिन यहाँ पे भी मैं कहूंगा छठवा भाव जो है कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियों को दिखाता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अननेसेसरी उसे एक्टिवेट करना चाहिए। मान लीजिए आप लिटिगेशन में पढ़ते हो तो आप सबका छठवा भाव सक्रिय हो जाता है, आप किसी से शत्रुता लेते हो, शत्रुता की भावना अंदर रहते हो, आप छठवें भाव को सक्रिय करते हो, तो इस चीज को आपको समझना चाहिए। तो ये था मेरा एक शॉर्ट व्यू शत्रुहंता योग, जो लोग समझते हैं कैसे समझना चाहिए, और शत्रुहंता योग कई तरीके से बनता है। हाँ, शत्रुहंता योग मेलफिक्स अगर बना रहे हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन 6 11 या 6 10 का बन रहा है आपके चार्ट में, तो ये बहुत ही शुभ है, बहुत ज्यादा सक्सेस देगा, बहुत पैसे के लिए भी बहुत अच्छा है और नेम फेम के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।